हाँ, अब आ जाओ पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और एक्टिव से, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो ना, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है? ठीक है, जब भी एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा इन्वर्जन का खेल भी होता है। एक्टिव से पैसिव बना, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और इन्वर्जन रहेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लिखा मैंने हु किल्ड द डॉग, ठीक है, और एक ऑप्शन में वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन में दे देंगे बाय हुम। इन्वर्जन वाला कैसे एरर आता बता रही हूँ, बाय हुम द डॉग वॉज किल्ड ये लगा देंगे, और एक ऑप्शन में दे देंगे बाय हुम वॉज द डॉग किल्ड, दोनों लगा देंगे ऑप्शन। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ गया, उल्टा हो गया। जनरली सेंटेंस में पहले कर्ता आता है फिर क्रिया, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, और यहाँ पे नो इन्वर्जन। अब आप डिसाइड करो कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होता है। इसलिए पहला वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला इज करेक्ट। बाय हुम द डॉग वॉज किल्ड नहीं होगा, बाय हुम वॉज द डॉग किल्ड। यस, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने एक छोटा सा चीज बताया। हाँ, अब मेरे को बताना कुछ दूसरा चीज है, पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान से सुनोगे, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ये कॉपी में लिखो, और जब मैं लिख रही हूँ तो आप लोग भी फटाफट लिखो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। कभी कभी हमारा सेंटेंस हु से शुरू होता है। जो सेंटेंस हु से शुरू हो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? बाय हुम। और जो सेंटेंस हुम से शुरू हो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? हुस। बट ये इतना छोटा भी नहीं है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे डिस्कशंस करने, ठीक है, बहुत सारे डिस्कशंस करने। अगर हमारा वाक्य तो किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, व्हाट, हु, हुम, विच, व्हाई, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, हैज, हैव, हैड, सही, अलग अलग करेंगे। अगर हमारा वाक्य, अभी छोटा छोटा मैं आपको ये सब सेंटेंसेस करवा दे रही हूँ, हु से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने लिखा हु, क्वेश्चन में लिखा हु रूट द रामायण, रामायण को किसने लिखा, तो ये तो आप आराम से बोलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बोल दोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि अगर हमारा ऑप्शन हु से शुरू है, अगर हमारा एक्टिव हु है तो पैसिव बाय हुम से बनेगा। हुम मत लगाना, जैसे बाय प्रेपोजी, ये हु क्या है? हु सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और जो हुम होता है ना ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। और बाय क्या है? बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हमारा सेंटेंस हु से शुरू है तो हमें इसका पैसिव बाय हुम से बनाएंगे। बाय हुम एक ऑप्शन में देंगे ना, बाय हुम द बुक वॉज रिटन, वॉज रिटन, ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रही, और एक ऑप्शन में देंगे बाय हुम वॉज द बुक रिटन, दोनों दिन बाय हुम द बुक वॉज रिटन। आप बताओ किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, हु रोट द रामायण है ना, सॉरी, बाय हुम द रामायण, इंग्लिश में रामायण बोलते, हिंदी में तो रामायण बोलते, बाय हुम वॉज द रामायण, कौन सा करेक्ट है? हु रोट द रामायण, बाय हुम द रामायण वॉज रिटन। अब दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है, रामायण सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस में नो इन्वर्जन, इस सेंटेंस में ना कोई उल्टा उल्टा नहीं हो रहा है। बट इस सेंटेंस में तो हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो इन्वर्जन हो रहा है। इस सेंटेंस में हमें दो ही डिफरेंस, एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। अब आपको देखना है कि कौन वाला सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। चूंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है ना, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना, बट ऊपर वाला में नहीं हो रहा, ये होगा, ये लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। जैसे कभी भी किसी से पूछेंगे कैसे हो आप, तो आप बोलेंगे हाउ यू आर, हाउ यू आर कभी नहीं बोलेंगे ना, गलत है।
इसको बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ यू आर और हाउ आर यू में क्या डिफरेंस है? यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जा रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए। ये हो गया बाय हुम द रामायणा वॉज रिटन। चलो ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी आपका ऑप्शन आई थिंक लिख लिया होगा सबने, अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है ना तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाते हैं, बाय हुम। कभी कभी ना ऐसा भी लगा के दे देंगे बाय हु, बाय हु वॉज द रामायणा रिटन, ऐसा लगा के दें। बाय हु नहीं लगा सकते हैं, सॉरी बाय हु नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ना, बाय हु तो होगा ही नहीं, जब भी होगा बाय हुम ही होगा, बाय हुम होगा, इज मत लगाना, हु इज द नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास में जा रहा है। चलो एक तो एक ये हो गया। अब आपका वो ऐसा भी दे सकते हैं सेंटेंस, कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे लिखा मैंने हु वॉज हु रोट द रामायणा, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी आएगा ऑप्शन में बाय हुम, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन, और एक एक ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं द रामायणा वॉज रिटन बाय हुम। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस दिख रहा है ना कि यहाँ हुम बाद में आ रहा है और यहाँ हुम पहले आ रहा है, ठीक है। कभी कभी बाय हुम को लास्ट में भी लगा देते हैं, बट फिर भी हम इसी को प्रायोरिटी देंगे, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे, ओके, इसी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ऊपर वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे ना, अंत में इसी को टिक करेंगे जहां पे बाय हुम को लास्ट में डाला है, लेकिन दोनों आ गया है, एक जगह बाय हुम शुरू में है, एक जगह शुरू में है, एक जगह लास्ट में है, तो हमें देखना है कि किसमें इन्वर्जन हो रहा है, मतलब व्हाट आई वांट टू से ना, सिंस ये क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन वाले सेंटेंस को प्रायोरिटी देना, इसमें इन्वर्जन हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा, सो विल टेक दिस एज द आंसर। कभी कभी ना, कभी कभी बाय हुम लास्ट में भी लगा देते हैं, अगर ऊपर वाला ऑप्शन नहीं होता ना, तब हम क्या करते, इसी को लेकर चलते, इसी को लेकर चलते। हाँ हाँ, ये क्लास CHSL के लिए भी है ये क्लास CHSL के लिए भी है। अभी एक और केस बताती हूँ, सबके लिए है भाई, यही तो गलती कर देते हो। अभी RRB PO का आया है, वहाँ सब बच्चे इंग्लिश पढ़ के सब एग्जाम्स निकाल रहे हैं, लिख लिया ये, अगर पहला वाला नहीं रहता ना, सेकंड वाले ऑप्शन को चुनते। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, अभी तो मैंने बताया ना हु रोट द रामायणा, ऐसा लिख दिया हु रोट द रामायणा, तो आप अभी बताया मैंने बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन, ठीक है, ये तो सही है, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो आप बाय हुम लगाएंगे, बट कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता हु वॉज द रामायणा, दोनों करेक्ट है, रिटन बाय, रिटन बाय। कभी कभी क्या करते हैं ना, दोनों दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है, बाय, हाँ वैसे तो वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो हम बाय हुम लगाएंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी हु से वाक्य शुरू होता है तो हम हु ही रखते हैं, बशर्ते कि प्रेपोजिशन बाद में डाल देते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पहला वाला ऑप्शन को तो हमने इन्वर्जन के बेसिस पे छांट दिया था, बट यहाँ तो दोनों में इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब और नीचे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, तो यहाँ तो इन्वर्जन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, तो बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, यस, दोनों नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले ऑप्शन में तो एक को हमने एलिमिनेट कर दिया इन्वर्जन के बेसिस पे, अगर सपोज दोनों आ भी गया है ना, तो SSC ने हमेशा इसी को वैसे दोनों करेक्ट है, ओके, दोनों में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बट अगर आ भी गया है तो इसी को प्रायोरिटी दे देना, बाकी सारा चीज सेम है, कोई टेंस वगैरह में चेंजेस नहीं है, अगर आ भी गया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट लिखिए बोथ कम्स ना, तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दिस हुआ, ठीक है, ठीक है, बट अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो चलो कुछ सेंटेंस कर लिया जाए, हु और हुम वाला, ये तो हो गया है, हु, हाँ ये तो इजी है, हु ड हुम, अगर हुम से स्टार्ट हो तो हुम ही रखना, ठीक है, हुम से स्टार्ट हो तो हु रखना, हु डज ही लुक फॉर, ये तो इजी है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना,
अगर क्वेश्चन में लुक फॉर है ना, तो आपको भी लुक फॉर करना है, या तो लुक आफ्टर देखभाल कर दिया, देखभाल इसको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। देखो अगर वाक्य होम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव हु लगा के करना, गलती से भी बाय हु मत कर देना, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट आ, ये तो इजी। नेक्स्ट चलो अब जो मैंने पढ़ाया उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, लिखना नहीं है ये, सबसे प्रैक्टिस के लिए ये सब लिखना नहीं है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको कितना समझ में आया बस मुझे वही देखना है। मुझे लग रहा है वॉइस का एक दिन और क्लास लगने वाला है। अगर हमारा वाक्य हु से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है तो बाय होम चाहिए, बाय होम चाहिए, और हु कैन बाय होम। हाँ और देखो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना कुछ को तो छाट दो इन्वर्जन के बेसिस पे। जैसे गांधी इज इंटीग्रिटी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, और एक्टिव पैसिव में टेंस तो बदलना ही नहीं। कैन है ना तो कैन को कुड में नहीं बदल सकते, तो आंसर इज सेकेंड। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, हु इनॉग्रेटेड द फेयर, देख लो यहाँ पे सेंटेंस जा रहा है पास्ट में और इसको कर दिया है प्रेजेंट, गलत। और द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाई हुम, बाई हुम वॉज द, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी हट गया, और बाय के बाद हु नहीं होगा, बाय तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट। आंसर इज दिस दिस। नेक्स्ट, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, हु और हु वाला सारा कंप्लीट कर लेते हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। Who asked you to draft this letter? By के साथ तो who आएगा नहीं, whom आता, गलत गलत। By whom were you asked to draft this letter? कम कर दो। हाँ by whom, यहाँ देखो subject के पहले verb आ रहा है और यहाँ subject के बाद verb आ रहा है, inversion नहीं हो रहा है, हटा। Answer is this। सीख सीख लिखना नहीं है इसको, ठीक है। Who और whom वाला कर लिया, अब next वाला आ जाओ। आज interrogative पूरा खत्म करती हूँ, ठीक है। अगर हमारा sentence ये तो पता चल गया ना, मैंने बहुत सारे केसेस भी बताए, अगर हु से स्टार्ट होगा तो बाय हुम लगाना, कभी हु वाला से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हु ही रह जाता है, बशर्ते कि प्रेपोजिशन लास्ट में लगाओ, और हुम भी बता दिया, हुम से स्टार्ट होगा तो हु रखना। अब आ जाओ अगर हमारा सेंटेंस डू डस से स्टार्ट हो रहा है, डू डस तो प्रेजेंट टेंस है ना, अगर हमारा सेंटेंस डू डस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, इज एम आर, इज एम आर। अगर सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो या तो वॉज लगाओ या वर लगाओ, देख लो किसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाना, प्लूरल है तो वर, उसी तरह सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बट पीछे और भी सेंटेंसेस होगा, जैसे मैंने लिखा डज ही हेल्प यू, छोटा सा सेंटेंस, क्या वो तुम्हारी हेल्प करता है, डज ही हेल्प यू, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और क्या पढ़ा आपने, जब भी सेंटेंस डस से डू से स्टार्ट हो तो इज एम आर से पैसिव बनाना है। अब इज एम आर के लिए भी देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किसको बनाना है, यू को, यू के साथ एम और इज तो नहीं होगा, तो यू के साथ आर लगता है, आर, आर लगा दिया, फिर यू उतार दिया, आर यू, हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दो, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, देख लेना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस वगैरह देख लेना। कब हु रखना है रॉकी, अभी मैंने बताया ना प्रेपोजिशन लास्ट में। हु डिड यू ट्रैवल विथ, मल्टी टैलेंटेड एस्पिरेंट, बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा, इस बार तो बच्चों ने बहुत सिलेक्शंस दिया है, निकल जाएगा निकल जाएगा। आर, हाँ आर यू हेल्प बाय हिम, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस करवाने वाली, यू आर हेल्प्ड बाय हिम नहीं होगा ना दीपक, यू आर हेल्प कर दोगे तो इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, इन्वर्जन करना है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, प्रश्नवाचक है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। ओके आप इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, पहले तो मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। कुछ बच्चों को लगेगा ना कि ये आई ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आई ऑब्जेक्ट होता ना, ठीक है, आप ये सोचोगे ना कि मैम ये तो सब्जेक्ट है ये वर्ब है और आई को ऑब्जेक्ट मान लोगे, अगर आई ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे आई नहीं लिखते, हम मी लिखते, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट है ये। व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, जो मैं बोलना चाह रही हूँ व्हाट आई मीन आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एम से ये मत सोचना कि मैम अगर आई लगा है ना तो चलो एम से लगा देते, नहीं, अगर सेंटेंस हमारा डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगा के बनाते, इज एम आर,
हम एम नहीं लगा सकते, एम तो तब रहता जब आई ऑब्जेक्ट होता, बट ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे होगा, सेंटेंस पास्ट टेंस कर दिया है, गलत है। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ये देखो इसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कर दिया, बट हमें इन्वर्जन चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट, ये पता नहीं, ये इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड, इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। सी सी, ये सब प्रैक्टिस वाला, इसको कॉपी मत करना। डिड द नॉइस फ्राइटन यू, डिड द नॉइस फ्राइटन यू, हाँ बहुत ज्यादा आंसर सी सी आ जा रहा है ना। डिड से स्टार्ट होगा तो डिड से थोड़ी स्टार्ट होगा, डिड से वाक्य स्टार्ट हो रहा है ना, तो वॉज या वर से करना, वॉज या वर से, वॉज या वर, और यू है ना, यू है तो यू से स्टार्ट करेंगे ना, वर यू, वर यू, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म डाला ही नहीं है, ये भी गलत है। वर यू ट्राई फ्राइट, वॉज वॉज द नॉइस फ्राइटेंड बाई यू, नॉइस को आपने थोड़ी डराया। नेक्स्ट, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, केवीएस के लिए भी है, केवीएस के लिए डिड है, ये तो आराम से डिड है, तो वॉज या वर से ही स्टार्ट होगा, यहाँ तो नहीं स्टार्ट किया है, यहाँ भी एवरीबडी मिस द क्या क्या हैड द, ये भी वॉज द फर्स्ट बस मिस बाई यू। सेकेंड है, सेकेंड, Did you expect your parents to come from Dubai today? क्योंकि जब तक sentence नहीं बनाओगे ना, concept clear नहीं होगा, sentence बनाना ज़रूरी है। Do you expect your parents? क्या आप expect कर रहे हो parents आएंगे दुबई से आज? सबसे पहले option चुनते समय ना tense देख लो, this is in present tense, फटाफट options छाटिए, option elimination करिए और आपका काम आसान करिए, did वाला हट गया। Do you expect, ये simple present है, were you expect, क्या है, were your parents expected to come from Dubai today? Are you expecting? यहाँ भी टेंस बदल दिया है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है बट यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, गलत है। आर यूर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई, वेर यूर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, अरे ये पता नहीं क्या कर दिया है, ये भी हट। Does he race cars? क्या वो कार रेस करता है? और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेस है ना वर्ब है, Do, does, did के साथ verb का V1 form. Okay, हाँ तो चलो बताओ, does he race cars? Is racing तो नहीं होगा, ing तो नहीं लगाएगा, और does है तो does से तो शुरू नहीं होगा, R से ही शुरू होगा ना, R के बाद V3 लगाओगे ना, ये done कहाँ से ले आया पता, ये verb है, race verb है, तो verb का V3 बनाओगे ना, raced, यहाँ done ले आया। Narration भी start करूँगी इसको, बीच में थोड़ा फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट करना है। चलो अब ये करके मैं खत्म करूंगी। अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमारा डू डस डिड से शुरू हो तो इज एम आर लगाना, डू डस से, और डिड से वॉज वर लगाना, हु का बाय हुम लगाना, हुम का हुम लगा देना। हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव व्हाट व्हेन से भी तो स्टार्ट हो सकता है, ये सब में ना कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सब में कोई चेंजेस नहीं है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट ही रखना, वाई से स्टार्ट हो रहा है वाई रखना, ठीक है, बस हैज हैव में देख लेना, सिंगुलर है तो हैज रखना, प्लूरल है तो हैव, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखती हूँ क्लोजेस्ट का क्या करना। चलो अब इसका बताओ, वाई से शुरू है ना, हु होम और डू डज वाले में ही चेंजेस हो रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं, वाई है तो वाई ही रख। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी नर्वस फील कर रहे हो ना, प्रैक्टिस नहीं किया। मेंस का बैच भी आप लोगों के कहने पे 2 क्लास फ्री ही कर दिया है मैंने। Why did you not agree to my proposal? हाँ हाँ मैं YouTube पे रोज आती हूँ मैं मंडे से फ्राइडे आती हूँ YouTube पे। I love my YouTube चैनल, मंडे से फ्राइडे आती हूँ, आप लोग भी आ जाना 11:30 बजे। Why did you not agree to my proposal? चलो आंसर बताओ, why है तो why ही रखोगे ना। Why my proposal? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, और यहाँ पे by you को तो हटा ही दिया है, ये भी हट गया, और क्वेश्चन में एग्री के साथ टू है ना, बट यहाँ टू गायब कर दिया, यहाँ रखा है, दिस वन इज द करेक्ट। सारे का आंसर बी आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है, कैसे बी आ रहा है? आप सेकेंड और फोर्थ में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एग्रीड के साथ टू नहीं लगाया, यहाँ लगाया, क्वेश्चन में टू लगाया है ना एग्रीड टू, तो आपको भी लगाना है। विल शी टेल अस द ट्रूथ, विल शी टेल, आपने ध्यान नहीं दिया, विल शी टेल अस द ट्रूथ, Will the truth be told? फोर्थ वाला होगा, इस तो नहीं होगा, इस तो हटा दिया, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो, ये कहाँ से हो गया? Will the truth be told? पैसिव वॉइस में ना टोल्ड के साथ टू आता है, एक्टिव में नहीं आता है, पैसिव में आता है। Will the truth be told us? नहीं होगा, told to us. Has the price rise affected all the people? ये जो has लगा है किसके लिए लगा है? Price rise के लिए, price rise singular है, इसके लिए has लगा है, लेकिन अब तो हमें सब्जेक्ट पीपल को बनाना है ना, पीपल तो प्लूरल है, पीपल तो प्लूरल है, तो हम has तो नहीं लगा सकते, हम have लगाएं, और ये तो प्रेजेंट है, इसको पास, have all the people been affected, और been भी लगेगा। कभी कभी हम what वाला में by what भी लगा देते हैं,
ये तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा। और ये बस ध्यान देना कि टेंस का ध्यान रखना, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और ये तो प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट है, ये भी हटा दिया, और ये भी प्रेजेंट है ना, हैव ये। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड है तो कुड ही रखो, ये पास्ट नहीं रखोगे, पास्ट टेंस वाला पास्ट नहीं है, पास्ट का थर्ड फॉर्म पास्ट थोड़ी होता है, पास्ट का थर्ड फॉर्म पास्ट, और मॉडल वर्ब के साथ वी वन आता है, बीन तो हैज हैव हैड, कुड द सॉल्ट बी पास्ट बाय एनी वन नहीं लगाओगे, हटा दो। कभी कभी बाय यू नहीं लगाते, कुड द सॉल्ट बी पास्ट, अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही पास कर रहे, बाय यू नहीं भी लगाए फिर